आज प्रजातंत्र और लोकतंत्र का जो एक उत्सव है, मतदान सबसे बड़ा कार्य प्रजातंत्र में नागरिक का होता है। आज उस मतदान करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश की जनता अपने भविष्य, अपना विकास, अपनी प्रगति सुरक्षित और निरंतर रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ इस चुनाव में जिताएगी और पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की 3 दिसंबर को बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा है पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनेगी। मैंने सदैव कहा है मैं ज्योतिष नहीं हूँ, मैं सीट्स का नंबर कभी नहीं देता, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की अवश्य जनता के आशीर्वाद के साथ ही बनने जा रही है। पार्टी बहुत बदल सर, जिम्मेदारी वही है, जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के नागरिक के रूप में है। विकास और प्रगति के सफर को सुनिश्चित करने का ही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश को एक नई विकास और प्रगति की उड़ान पर सुनिश्चित ले जाएगी। मैंने पहले से ही कहा है मैं सीएम के रेस में नहीं हूँ, ना मैं कभी था ना आज हूँ। आप लोगों ने बार बार मुझे पूछा है, 2013 में भी, 18 में भी और आज भी पूछ रहे हैं। तीनों बार मैंने कहा है कि मैं सीएम के रेस में नहीं हूँ। ये रेस कुर्सी का नहीं है, ये रेस विकास का है, ये रेस प्रगति का है और ये रेस जनता का विश्वास सुनिश्चित रखने का है। कुर्सी का रेस कांग्रेस की माफ नहीं करेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। शिवराज सिंह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार ने जो कोरोना काल में दिख करके दिखाया है, 1.5 वर्ष कोरोना काल के बाद करके दिखाया है, मुझे पूर्ण विश्वास है। एक एक व्यक्ति को मध्य प्रदेश में सशक्त बनाया है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, और पूर्ण रूप से बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार।